नजरिए नजरिए की बात है। देखिए, नथ को अगर आप देखें तो आभूषण की तरह भी ले सकते हैं, जो एक महिला की सुंदरता निखारती है। लेकिन कुछ लोगों को ये एक जंजीर भी लगती है, जो कहीं ना कहीं इनको रिश्तों में बांध देती है। किचन में कृष्णा प्रसाद बनाने आई थी, उसके हाथों में तो चोट है, जिससे यहाँ पर गौरी ने खुद ही कह दिया कि वो बनाएगी प्रसाद। हालांकि आता उसे भी कुछ नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में वो एक प्लान लेकर आई थी, जिस प्लान में वो कामयाब हो गई। पहले उसके लिए उसकी बहन सब कुछ थी, बट अभी कहीं ना कहीं वही बहन उसकी रास्ते का रोड़ा बन चुकी है, उसकी आंख का कांटा बन चुकी है। तो इसीलिए अब उसने कहा बहुत हो गया बहन बहन, अब हम पति पति जपेंगे, बहन बहन हम छोड़ देंगे। इसीलिए अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है गौरी, और अभी थोड़ा खेल रही है, मजे ले रही है। कितनी भोली है कृष्णा, उसके आंखों के सामने उसका पति और बहन ये दोनों इतने करीब आ रहे हैं, और कृष्णा को इस बात का पता ही नहीं चल रहा है। अब पता भी कैसे चलेगा, जिसका दिल साफ होता है ना, उसे सारी बातें अच्छी ही नजर आती है। आप किसको चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा, गौरी या कृष्णा? जी तुम्हें पता है किसका नाम लेना है। बोलो बोलो। क्या बोलूं, कुछ कुछ बोलने ही नहीं देते ये लोग। जीत बोल दो बेबी। बोल दो जीत, मैं सह लूंगी। बोल दो जीत। उसे तो लग रहा है कि सच में ही गौरी का हाथ जल गया है, ही बेचारी को दर्द है। ऐसे में जब कृष्णा ने गौरी के हाथों पर लेप लगाने की बात कही तो गौरी कुछ पल के लिए रुक गई। इतने में जीत आया और खुद कृष्णा ने ही कह दिया कि तुम लगा दो ना गौरी को मलहम। कभी घर वाले को संभालो तो कभी बाहर वाले को संभालो। दिल का इतना साफ है कि कुछ को लेप लगाया, अभी बाहर वाली को लेप लगा रहा है। एक चीज दो दो बार कर रहा है। अब मलहम लगाते लगाते इतने करीब आ गए ये दोनों के भाई देखकर किसे भी बुरा लगेगा, लेकिन कृष्णा को बिल्कुल भी भनक ही नहीं है कि उसकी नजरों के सामने जो हो रहा है वो एकदम गलत है। साबित ये करना था कि जीत को परवाह है गौरी की, जो कि है, उस साबित हो गया। तो उसको बस एक लवी डवी सा मोमेंट चाहिए था अपने जीत के साथ, तो वो उसे मिल गया। उसके लिए उसने अपना हाथ जला दिया, बेचारी कितनी मासूम सी लड़की है ना? मुझ पे और कितने अत्याचार होने वाले हैं, सब पूरे परिवार मिलके अत्याचार करता है मुझ पे, अब ये भी करना शुरू हो गई है। अब जीत समझ पाएगा गौरी की मक्कारी और कृष्णा की मासूमियत को, उसे समझ तो आएगा लेकिन अभी नहीं, एक कुछ एपिसोड्स के बाद जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा, उसके बाद बेचारी कृष्णा खुद ही कोशिश करेगी अपनी बहन को अपने ससुराल से निकालने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।